हाय, वेलकम टू पीएलपी एडवाइजरी सर्विसेज। माय नेम इज़ अनिल वर्मा और आज की वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ स्पेसिफिकली अबाउट गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड ऑफ गुड़गांव कि एज ए लोकेशन गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड कैसा है इन्वेस्टमेंट के लिए, बीट कमर्शियल इन्वेस्टमेंट और रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट, और साथ ही साथ जो गुड़गांव की दूसरी लोकेशंस है उससे ये कैसा डिफरेंट है, और डाउन द लाइन 4 से 5 साल का अगर आप इन्वेस्टमेंट होराइजन लेकर चलते हो गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पर तो क्या आपके लिए ये सही है या कोई और लोकेशन पर आपको जाना चाहिए, और साथ ही साथ अगर यहाँ पर रिसेशन जैसी सिचुएशन बनती है मार्केट के अंदर तो क्या गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड और जो दूसरी लोकेशन है गुड़गांव की उसमें कितना डिफरेंस रहने वाला है, और साथ ही साथ बात करेंगे कि गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पर आने वाली अपॉर्चुनिटीज़ क्या है जहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। When we talk about गुड़गांव तो it is one of the major satellite city of Delhi NCR। गुड़गांव एक ऐसी लोकेशन है जहां पर आपको 250 से ज़्यादा फॉर्चून 500 कंपनीज के ऑफिसेज मिलते हैं। इसकी वजह से गुड़गांव के अंदर एक फास्ट अर्बनाइजेशन हुआ, दूर दूर से लोग जो यहाँ पर जॉब करने आए उसकी वजह से यहाँ पर आपके जो कमर्शियल और रेजिडेंशियल की जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ी, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत सारी माइक्रो मार्केट्स बनी, जिसमें से कि गोल्फ कोर्स रोड हो गया, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड हो गया, सोहना रोड हो गया, द्वारका एक्सप्रेस वे, न्यू गुड़गांव हो गया। तो ये कुछ ऐसी लोकेशंस बनी जहाँ पर ओवर द ईयर्स बहुत सी इन्वेस्टमेंट्स हुई, रेजिडेंशियल के अंदर भी, कमर्शियल के अंदर भी, और लोगों ने यहां पर बहुत अच्छा पैसा बनाया है। लेकिन बात करेंगे आज गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड के बारे में। 2009 में ये लोकेशन बनी, ये एक लिंक रोड बनाया गया था गोल्फ कोर्स रोड को सोहना रोड से कनेक्ट करने के लिए। ओवर द ईयर्स यहाँ पर बहुत ही अच्छी रेजिडेंशियल और कमर्शियल डेवलपमेंट्स हुई, जिसकी वजह से गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रीमियम लोकेशन बन गया कमर्शियल और रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट के लिए। गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड गोल्फ कोर्स रोड के बाद एक ऐसी लोकेशन थी जो पूरी तरह से प्लान्ड थी। यहाँ पर आपको वॉक विद वर्क का कॉन्सेप्ट लाया गया था। गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड के साथ में जितनी भी लैंड है 200 मीटर तक वो सारे की सारी कमर्शियल के अंदर ही आती है, और उससे पीछे का जो लैंड एरिया है वो आपका रेजिडेंशियल के अंदर आता है। तो कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा था कि लोग अपने घर से आए और सामने कमर्शियल ऑफिस स्पेसेस हैं, रिटेल स्पेसेस हैं, तो आप वॉक करके ही रिटेल में भी पहुंच सके, आप वॉक करके ही ऑफिसेज के लिए भी पहुंच सके। तो उस कॉन्सेप्ट पे गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड को डेवलप किया गया था, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो प्रॉपरली आपको सेक्टर रोड्स मिलती है। एक ऐसी लोकेशन है जहाँ पर आपको पूरे का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप मिलता है। जब इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ रोड्स ही नहीं आती, उसके अंदर आपका हॉस्पिटल्स आते हैं, आपके स्कूल्स आते हैं, आपके इंस्टीट्यूशनल एरिया आते हैं, आपके रिक्रिएशनल सेंटर्स आते हैं। तो जब हम उस तरह से डेवलपमेंट देखते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन के ऊपर, तो अगर आप किसी भी दूसरी लोकेशन को कंपेयर करते हैं तो गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड आपको थोड़ा सा एज ही देता है। और अगर आप पिछले 5 साल के अंदर देखेंगे तो गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पर बहुत ज़्यादा ऑफिस स्पेस लीज आउट हुआ है। गुड़गांव के अंदर जितना भी एप्रिसिएशन रियल स्टेट के अंदर आया है उसका जो मेजर रीज़न है वो ये है कि जहाँ जहाँ पर कंपनीज ने अपने ऑफिस सेटअप किए ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो भी कंपनीज यहाँ पर आए उनके जो एम्प्लॉयज़ थे उन्होंने जो फर्स्ट प्रेफरेंस दी है रहने के लिए वो आपकी नियर बाई विसिनिटी में ही दी है। तो कहने का मतलब ये है कि जहाँ जहाँ पर आपका कमर्शियल ऑफिस स्पेस का डेवलपमेंट हुआ है, इनहैबिटेशन हुआ है, जहां जहां पर कंपनीज आई है उसके जो बिल्कुल साथ में लोकेशंस लगती है वहां पर बहुत ही जबरदस्त इन्वेस्टमेंट हुई है और वहां पर बहुत ही जबरदस्त एप्रिसिएशन हुआ है। जब हम एक्सटेंशन रोड की बात करते हैं तो 2019 से लेकर 2024 तक का अगर ये जो 5 साल का पीरियड है अगर आप इसको एनालाइज करेंगे तो यहाँ पर जो प्रॉपर्टी के प्राइसेस हैं वो डबल हो चुके हैं। 2019 में जो प्रॉपर्टी का एवरेज प्राइस गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे था एक लग्जरी प्रॉपर्टी का वो 10,000 के आसपास था, जो कि 2024 में 20,000 क्रॉस हो चुका है। तो बहुत ही अच्छा एप्रिसिएशन यहाँ पर आया है। और जब हम रेंटल में भी इसका जो स्टैटिस्टिक्स एनालाइज करते हैं तो रेंटल भी पिछले 4 से 5 साल के अंदर डबल से भी ऊपर जा चुका है। उसका रीज़न है जो जितने भी लोग यहाँ पर कमर्शियल ऑफिस स्पेसिस में वर्क करते हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो डेली
से आते हैं, तो अगर आपने 2 साल 3 साल का सिनेरियो देखा हो तो दिल्ली से बहुत ज़्यादा लोग शिफ्ट हुए हैं गुड़गांव के अंदर अपनी प्रॉपर्टीज़ बेचकर। तो उनका जो फर्स्ट फोकस था, उनकी जो फर्स्ट प्रेफरेंस थी, वो थी कि जहाँ पर वो काम करते हैं उसके आसपास की लोकेशन में घर ढूंढना। दूसरी लोकेशन पे वो तभी गए हैं अगर उनका बजट वहाँ पे अलाउ नहीं करता है। तो गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड इस वजह से बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट हुआ है। अब बात करते हैं कि अगर मार्केट में स्लो डाउन आता है या स्टैग्नेशन आता है, तब आपका जो गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड है वो कंपेयर टू अदर लोकेशन कैसे प्ले करेगा। जैसा मैंने आपको ऑलरेडी ही बताया कि गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पर लॉन्चेस ही बड़े कम हुए, इसका मतलब यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ के ऑप्शंस ही बहुत कम है। इसकी जो कनेक्टिविटी है गोल्फ कोर्स रोड के साथ वो बहुत ही ज़बरदस्त है, और गोल्फ कोर्स रोड एक ऐसी लोकेशन है जो कि दिल्ली NCR की वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम लोकेशन मानी जाती है, जहाँ पर आपके एवरेज प्रॉपर्टी प्राइसेज जो रीसेल में है वो 30,000 से लेकर 40,000 तक पहुँच चुके हैं। ये मैं बात कर रहा हूँ लग्जरी प्रॉपर्टीज़ के बारे में, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सुपर लग्जरी प्रॉपर्टीज़ लाइक अरालियाज, मैग्नोलियाज एंड कैमेलिया, जिसके की प्राइसेज आपके 85,000 से लेकर 1 लाख पर स्क्वायर फीट के आसपास पहुंच चुके हैं। और जितने भी न्यू लॉन्चेस अगर गोल्फ कोर्स रोड पे आप देखोगे, तो अभी गोदरेज का भी मिराया आया है, वो भी 45,000 के रेट पे कोट हो रहा है मार्केट के अंदर। तो कहने का मतलब है कि गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड बहुत ही क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है गोल्फ कोर्स रोड के साथ, तो कहीं ना कहीं उसका भी एक बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा इस लोकेशन के ऊपर में। दूसरा क्या है कि जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जहाँ पर कमर्शियल हैबिटेशन बहुत ज़्यादा होता है, तो वहाँ पर रियल टाइम एप्रिसिएशन होता है, वो आपका एक बनावटी वाला एप्रिसिएशन नहीं होता, वो कहीं ना कहीं रियल टाइम एप्रिसिएशन होता है। और अगर मार्केट में स्लो डाउन या स्टैग्नेशन आता है, तो कुछ ये ऐसी लोकेशंस होती है जहाँ पर सबसे कम इफेक्ट पड़ता है इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन और इन टर्म्स ऑफ रेंटल एप्रिसिएशन। अब बात करते हैं कि गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे जो आज के प्राइसेज है, क्या ये आगे भी बढ़ने वाले हैं या ये स्टैग्नेंट हो चुके हैं, या यहाँ पे जो प्राइसिंग है अब इससे ऊपर जाने के चांसेस नहीं है। मुझे ये लगता है कि जो प्राइसेज है गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पर ऑब्वियसली ऊपर आ चुके हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो स्टैग्नेंट हो जाएंगे या आगे नहीं बढ़ेंगे, ऑब्वियसली दे आर गोइंग टू इंक्रीज़। और क्योंकि लोकेशन बहुत ही प्रीमियम बनती जा रही है, जो भी लैंड है गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड के ऊपर वो दिन पर दिन और महंगी होती जा रही है, तो कहीं ना कहीं आपके जो प्राइसेज हैं वो बढ़ने ही हैं। उसका जो रीज़न है वो ये है कि बड़े बड़े प्लेयर जैसे DLF हो गया, ओबेरॉय रियल्टी हो गया, उन्होंने यहाँ पर लैंड्स खरीदी है। ओबेरॉय रियल्टी ने यहाँ पर सेक्टर 58 के अंदर 15 एकड़ के आसपास की लैंड खरीदी है, 600 करोड़ के आसपास की वो डील हुई है। सिमिलरली DLF ने भी 29 एकर्स का लैंड बैंक खरीदा है, बिल्कुल उसके साथ में ही लगता है। ये दो ऐसे प्लेयर्स हैं विच आर नोन फॉर यू नो डेवलपिंग वेरी प्रीमियम लग्जरी हाउसिंग इन गुड़गांव एंड मुंबई। तो ये ऐसे प्लेयर हैं जब ये अपना प्रोजेक्ट्स लेकर आएंगे, तो जिनके प्राइसेज होंगे वो जो आज की मार्केट है उससे बहुत ऊपर जाएंगे। तो ये एक ऐसा प्राइस बेंचमार्क होगा गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड के ऊपर, जो कि यहाँ पर जो प्रॉपर्टीज़ का एप्रिसिएशन है वो डिसाइड करेगा। तो जिस तरह की डेवलपमेंट आने वाली है, जिस तरह के डेवलपर्स ने गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पर लैंड ऑक्यूपाई किया है, तो मेरे हिसाब से अगले 4 से 5 साल के अंदर, अगर आप 4 से 5 साल का होराइजन लेकर चलते हैं इन्वेस्टमेंट का गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड के ऊपर, तो बहुत ही जबरदस्त इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है। अभी मैं अगर बात करूं कि आप कहां कहां पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो मुझे यह लगता है कि इफ यू वांट टू गो फॉर न्यू लॉन्चेस, तो आप अच्छे बिल्डर्स के ही प्रॉपर्टीज में जाएं, अदरवाइज गो फॉर रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टीज। उसमें यही आपको एक ड्रॉबैक है कि आपका सारे का सारा पैसा एक बार में चला जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं आप सेफ फील करते हो इन टर्म्स ऑफ योर इन्वेस्टमेंट। जब मैं बात करता हूं अच्छे बिल्डर्स की, तो आज के डेट में ऑलमोस्ट जो भी बिल्डर्स आपको एक्सटेंशन रोड के ऊपर मिलते हैं, सारे ही बहुत बड़े नाम हैं, सारे ही आपको लिस्टेड प्लेयर्स मिलते हैं, या उनके बहुत से पास्ट रिकॉर्ड जो हैं प्रोजेक्ट्स के काफ़ी अच्छे हैं। तो मैक्सिमम बिल्डर्स अच्छे हैं, फिर भी जैसे आपका टार्क हो गया, टार्क ईशवा जो प्रोडक्ट आया है सेक्टर 63 के अंदर, दैट इज़ ऑल्सो अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। अगर आप 4 से 5 साल वेट कर सकते हैं, तो वहाँ पर भी आपको काफ़ी अच्छा अप्रिसिएशन मिलेगा, क्योंकि वो एक ऐसी लोकेशन है जो DLF आर्बर के बिल्कुल साथ में लगती है, और जो DLF आर्बर में आज का जो रीसेल का प्राइस है वो आपका 24 से 25,000 पहुंच चुका है।
इंटरनल फेसिंग यूनिट्स का। बाहर की जो यूनिट्स है आज भी आपको अच्छे प्राइस पे मिल जाएगी, लेकिन जो इंटरनल फेसिंग यूनिट्स है आपके जो क्लब और ग्रीनरी को फेस करती है, साथ ही साथ जो अरावली को फेस करती है, उनके प्राइसेस में काफ़ी अच्छा वेरिएशन, काफ़ी अच्छा एप्रिसिएशन देखने को मिला है। साथ ही साथ यू कैन ऑल्सो ऑप्ट फॉर सिल्वर ग्लेड जो कि सेक्टर 63A में ही है, लेकिन सेक्टर 58 के साथ में, 59 के साथ में ही लगता है, जहाँ पर आपका महिंद्रा एलुमिनियर है, आपका कॉन्स्टेंटाइन एलिवेट है, जहाँ पर आपके जो रिसेल के प्राइस है इन लोकेशंस पर 24 से 25,000 पहुंच चुके हैं, वहां पर भी आप अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। और ये ऐसी लोकेशंस है जो आने वाले टाइम में आपको बहुत अच्छा पैसा देगी, क्योंकि गोल्फ कोर्स रोड पर बहुत ही लिमिटेड अपॉर्चुनिटी है और वहां पे जितने भी प्रोजेक्ट्स आने हैं अच्छे डेवलपर्स के, वहां पर प्राइसेस बहुत ऊपर चले गए हैं। गोदरेज मिराया आपका 45,000 के प्राइस पे है, डीएलएफ का जो दहलियाज आ रहा है वो 80-85,000 के प्राइस पे है, डीएलएफ के पास एक फेज 4 में भी लैंड है, वो उनका 55 से 60,000 के बीच में आने के चांसेस है। जो नेक्स्ट गोल्फ कोर्स रोड बनना है वो आपका गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड ही है। जिस लेवल की प्रीमियम हाउसिंग की डेवलपमेंट आपकी गोल्फ कोर्स रोड के ऊपर हुई है, उसी लेवल की डेवलपमेंट आपकी आने वाले टाइम में गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड के ऊपर होने वाली है। तो अगर आप 4 से 5 साल का होराइजन लेकर चलते हैं और या इससे भी ऊपर का होराइजन लेकर चलते हैं, तो गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड आपको बहुत पैसा बना के देने वाला है। अब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड को थोड़ा सा नेगेटिव करती है, और वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पर ट्रैफिक कंजेशन। जितना भी ये पैच है 5-7 किलोमीटर का आपका जो पैच है टोटल, ये बहुत ही ज़्यादा कंजस्टेड है, रोड्स आपके टूटे हुए हैं। ऑल दो यहाँ पे जो रिपेयर का वर्क है हर साल चलता रहता है, लेकिन एक कंक्रीट जो आपका सॉल्यूशन है वो अभी तक नहीं निकला है। पहले यहाँ पे फ्लाईओवर्स बनने वाले थे, 7-8 फ्लाईओवर्स बनने वाले थे। अब जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है गवर्नमेंट की वो ये है कि अब सीधा एक फ्लाईओवर बनेगा जो कि आपका CPR जो जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ से स्टार्ट होगा आपका घाटा गाँव तक, तो एक इकलौता फ्लाईओवर बनेगा। ये बिल्कुल वैसे बनेगा जैसे आपका द्वारका एक्सप्रेसवे पे बना है, साइड में आपके नीचे और ऊपर चढ़ने के लिए रोड्स रहेगी, लेकिन एलिवेटेड फ्लाईओवर एक ही रहेगा। तो उसी लेवल का फ्लाईओवर यहाँ पर बनना है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो जल्दी बने उतना अच्छा है, क्योंकि कंजेशन जो है ट्रैफिक का वो आपका बढ़ता ही जाएगा। जैसे जैसे कमर्शियल की ऑक्यूपेंसी, रेजिडेंशियल की ऑक्यूपेंसी आपकी एक्सटेंशन रोड पर बढ़ती जाएगी, उसी तरह से आपका यहाँ पर कंजेशन बढ़ता जाएगा। और ये जो चौक है आपका, ट्रैफिक चौक है, ये आपका लिमिटेड नहीं है गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड तक ही, SPR पे भी बहुत ज़बरदस्त आपका जाम लगता है। तो जल्दी ही गवर्नमेंट को ये जो प्लान है इस पर वर्क करना चाहिए। होता क्या है इंडिया के अंदर, जब तक आपके नाक से ऊपर पानी ना चला जाए कुछ नहीं होता, लेकिन अगर ये चीज़ हो जाएगी तो ये एक और बूस्ट देगा आपकी इन्वेस्टमेंट को। सिर्फ और सिर्फ एक ही यही प्रॉब्लम है, उसके अलावा गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड एक ऐसी लोकेशन है जहाँ से आपका दिल्ली, फरीदाबाद, NH8, द्वारका एक्सप्रेसवे सारी लोकेशन क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है, और जितना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, जितने अच्छे रोड्स होंगे, उतनी जल्दी आप उन लोकेशंस पर पहुंच सकते हैं। आई होप जितना भी हो सकता था गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड के बारे में मैंने आपको बता दिया है। फिर भी अगर आपकी तरफ से कोई और इन्फॉर्मेशन हो तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। सो इट वॉज ऑल अबाउट गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड ऑफ गुड़गांव। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी जस्ट कॉल अस। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।